नितलीला प्रविष्ण विष्णु पाद स्तोत्र सत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धार्थ गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरु पाद पद्म नितलीला प्रविष्ण विष्णु पाद स्तोत्र सत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों को यथा योग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा। आज हम लोगों का बहुत बहुत बढ़िया दिन है। आप सबके सब आज श्री अक्षय तीज में श्री वृंदावन धाम आए हो। ये अक्षय तीज हम लोग श्रवण कर रहे थे, जो अक्षय तृतीया है। कौन सारा सही लग लगा कभी ये अक्षय तृतीया है। तृतीया मतलब जो तृतीया जो तिथि है वो बहुत अच्छी तिथि है। आज का दिन कुछ भी काम करो जिसका फल अक्षय फल की प्राप्त होती है। इसलिए आप लोग ने वृंदावन धाम आए हो, वृंदावन धाम आए ना, इसलिए वृंदावन हमारे जो लक्ष्य है जीवन का, क्या लक्ष्य है, इसलिए हमारे श्री रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी और जितने सारे हमारे संत लोग हुए हैं उन लोग का एक ही अभिलाष है, कब श्री ब्रज में वास हो। इसलिए रूप गोस्वामी अपना उपदेशामृत में कहते हैं, बोले तिष्ठन ब्रजे तदानुरागी जनानुगामी कालम नएद अखिल ईद उपदेश सारम। मतलब जगत में जितने उपदेश है सारे उपदेश का सार क्या है, वो संत कहते तिष्ठन ब्रजे, कहाँ पर वास करनी चाहिए, ब्रज में वृंदावन में ही वास करनी चाहिए, हमारी यही लक्ष्य है। इसलिए वृंदावन वास की इतने महत्व है, ब्रह्मा भी स्वयं कहते हैं तद भूरि भाग्यम इह जन्म किम अटव्यम जत गोकुल की कथमांग्रि रजो विषयकम। ब्रह्मा जी कहते ऐसे क्या मेरा कभी सौभाग्य होगा, बोले क्या सौभाग्य चाहते हो, कहते श्री वृंदावन धाम में हमारे वृंदावन में अगर पास नहीं हो, वृंदावन से बाहर में जो छोटे जाति के लोग रहते हैं अगर उनकी घर को सामने पत्थर जन्म हो जाए, अगर वे हमारे सर के ऊपर में चरण रगड़े तो मैं अपना जीवन को धन्य मानता। कौन कह रहे ब्रह्मा, कौन हमारे आदि गुरु है जो सृष्टि को रचना करने वाले, जो सत्यम शिवम सुंदरम शंकर जी, यहाँ पर स्वयं शंकर भी यहाँ पर गोपी बनकर कहाँ पर वृंदावन में नहीं ब्रज की बाहर गेट में बैठ करके यहाँ की गेट पर बन करके शंकर स्वयं गोपी स्वर रूप में कहलाते, शंकर भी प्रवेश करते हैं। कहते माँ लक्ष्मी वो भी बैल वन में यमुना के उस पार में बैठी हाथ जोड़ करके, कब हमारी ब्रजवास हो। उद्धव जी जो कृष्ण के इतने प्यारे सखा हैं, उद्धव जी कहते हैं क्या है, कब क्या मेरी ऐसे सौभाग्य होगा ब्रज वृंदावन में तीन गुल्म औषध वृक्ष जन्म हो, यहाँ पर घास घुसाव कर जन्म ले। बोले क्यों, जब गोपियां चलेगी कम से कम घास बन करके रहेंगे तो चरण धुलता पड़ेगा। बोले यहाँ लता बनना क्यों चाहते हैं, अगर कुंज में लता बने रहूंगा ठाकुर जी जब प्यारी प्यारी मधुर मधुर लीला करेंगे ठाकुर का दर्शन होगा। कहते औषध वृक्ष रूप में, बोले क्यों, कभी बीमारी होगा तो दवा खाएंगे फिर उनके हृदय में चले जाऊंगा। और इतने बड़े बड़े संत लोग, लेकिन आज देखो आप लोगों का कितने सौभाग्य है, ये लोग जो ब्रजवास के लिए प्रार्थना करते हैं आज आप सबके सब आज वृंदावन में आए हो, श्री वृंदावन में आए हो, इसलिए ताली बजाओ सबके लिए। तो कल से तुम आप लोग ये वृंदावन धाम है ये अक्षय तृतीया पर आप लोग आए हो, इसलिए रूप गोस्वामी कहते हैं भजन कहाँ पर करें, बोले तिष्ठन ब्रजे, ब्रज में रह करके भजन करें। आप लोग बोलोगे भैया आप कहे तो ब्रज में रह कर भजन करो, अगर ब्रज में अगर सबके सब आ गए फिर भैया बगैर पैसा कदर रह नहीं सकते, फिर माल कहाँ से आए, हाँ जो वृंदावन में आए फिर कैसे माल कहाँ से आए। इसलिए कहते हैं अगर भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं अगर तुम्हारी शरीर से अगर बास नहीं हो, अपने मानसिक रूप में भी घर में बैठ करके आप ब्रजवास कर सकते हो।
इसलिए भक्त विनोद ठाकुर कहते हैं यदि न गृह भजन देखी गृह देखो लोक भाया। अगर अपना घर में 24 घंटा हम ठाकुर का आरती उतारते हैं, हरिनाम करते हैं, तुलसी परिक्रमा करते हैं, ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, हरिनाम करते हैं, जिस घर में भगवान की भजन भक्ति पूजा पाठ हो ना, वही भी वृंदावन है, वो भी वृंदावन है। वृंदावन में कभी कभी उल्टा पुल्टा लोग भी रहते हैं, गंजा फूकने वाले, शराब पीने वाले, और ब्रज में आकर के कोई उल्टा पुल्टा काम करते, तब क्या ब्रजवास हो रहे? बोल रहे वो ब्रजवास नहीं कर रहे हैं, ब्रज में रहने पर ये मत समझो ये ब्रज। कंस भी तो मथुरा में था, अगासुर बकासुर तो थे ना, कहां पर थे? मथुरा में भी थे क्या? उनका मथुरा वास हो रहा था? मथुरा वास नहीं हो रहा था। इसलिए अगर हम घर में भी रह करके, इसलिए शास्त्र में कहते हैं अगर बाहर कहीं पाप करो ना, ब्रज में आओ तो पाप खत्म हो जाता है। अगर ब्रज में ही रह करके कोई अगर गलत काम करे भैया, वो वज्र लेट बच जाती है, वो अपराध कभी दूर नहीं होता है। इसलिए भैया ब्रजवास जब करो सावधान से ब्रजवास करनी चाहिए, ऐसे नहीं यहाँ आकर के उल्टा पुल्टा काम करने लग गए, बोले हम ब्रजवास कर रहे हैं। ब्रजवास कुछ नहीं, हमारी भावना जहाँ पर हम वहीं रह रहे, जहाँ हमारा भावना है हम वहीं पर निवास करते हैं। इसलिए प्रभुपाद ने इसी विचार को उन्हें बताए, सारा दुनिया में प्रभुपाद हरिभक्ति को प्रचार किया, अक्सर करके सर्वत्र उन्होंने हरिभक्ति को, इसलिए गुरुजी विदेश में भी जाते थे, लेकिन जहाँ पर संत चले जाए ना वही वृंदावन, वो वृंदावन बना देते हैं अपना हृदय को, वो वृंदावन को अपना हृदय में लेकर के जाते हैं, और जहाँ हरि कथा कीर्तन करते हैं वो सारा दुनिया को गुरु जी वृंदावन धाम बना दिया। इसलिए आप लोग आज बड़े भाग्यवान हो, आप लोग तो सब भक्त लोग हैं, हमें पता है आप लोग घर में भजन करते हो, आपका तुम्हारी घर ही वृंदावन है, तुम्हारी घर ही वृंदावन तुम्हारी है। और खैर आप लोगों ने जो यहाँ पर आए हो, यहाँ पर जो धाम आए हो, धाम का महत्व है, इसलिए मानो हृदय में वृंदावन को ही लेकर यहाँ पर आए हो, हृदय से वृंदावन को लेकर के आए हो। इसलिए आज अक्षय तृतीया है, आज जो काम हम करेंगे उसका फल हमें अक्षय फल की उसकी प्राप्ति होगी, है अक्षय फल की प्राप्ति होगी। इसलिए जो आज का दिन ठाकुर जी जो विश्व ब्रह्मांड को हम दर्शन कर रहे हैं, ये सत्ययुग का जो प्रारंभ आज से, क्योंकि ठाकुर जी बोले ये दुनिया को सृष्टि की, ये सृष्टि जगत में अक्षय रहे, इसलिए ठाकुर जी अक्षय तृतीया के दिन जगत को उन्होंने सृष्टि की है। इसलिए आप लोग देखना आज हर मंदिर में अब जाकर देखना, कुंज में पानी जा कर के देते हैं, सत्तु देते हैं, पंखा है, फल फूल हर मंदिर मंदिर में जा कर के देते हैं। बोले क्यों देते हैं? बोले आज का दिन ही ठाकुर जी ने ये विश्व ब्रह्मांड में जितने पेड़ पौधा फल फूल देख रहे हैं, आज का दिन ही ठाकुर ने ये विश्व ब्रह्मांड को सृष्टि की। इसलिए उपनिषद कहता है ईसा बसविदम सर्वम जत किंचा जगत या जगत तेना त्यक्तन भुंजिता माधृत कस्यचिदना। मतलब होता है विश्व ब्रह्मांड में जो कुछ देखते हैं ठाकुर जी का है, ठाकुर ने ही कृपा करके हमें दिया है। इसलिए क्या करनी चाहिए? हर चीज को बोले तेना त्यक्तन भुंजिता, उनको अर्पण करके उनकी प्रसाद रूप में हर चीज को हमें ग्रहण करनी चाहिए। इसलिए मंदिर मंदिर में सब चीज याद देते हैं, कारण है ठाकुर ने ही हमें ये सब चीज दिए हैं। इसलिए आप देखना भारतीय का एक रिवाज है ना, कोई पेड़ में कोई पहला फल होता था, हमारा गांव में देखते थे, गैया जो पहला दूध देता था उसको मंदिर में देख दे आते थे, कोई नया पेड़ में पहला फल होता था उसको ठाकुर को मंदिर में देख आते थे। क्यों? किसकी कृपा से सब कुछ हो रहा है। इसलिए करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है और तेरी कृपा से सारे, इसलिए सारा दुनिया को उसने दिया है, और उनको जितना दोगे ना कम नहीं होगा ठाकुर को देने से। सुदामा दो बटी चिड़िया दिया ना ठाकुर जी, त्रिभुवन का संपत्ति ठाकुर जी दिए है। इसलिए आप लोग भी आज कोशिश करना, जैसे ठाकुर जी को 4 बजे पट खुलेगा ना, अब हो सके तो थोड़ी कोई फल हो, थोड़ी कोई मिठाई हो, नहीं तो कोई नमकीन हो, थोड़ा थोड़ा बाजार से लाना, ठाकुर जी को भोग लगेगा, ठाकुर जी का अच्छापन भोग लगेगा, उसमें भी आपका थोड़ी बहुत वस्तु ठाकुर जी की सेवा में लग जाएगा। तो भगवान कहते ना गिरिराज की जब सेवा की, स्वयं गिरिराज जी बोले आज का दिन जो एक अन्न की दाना श्री गिरिराज की सेवा में लगाए,
स्वयं कहते ठाकुर जी किसी जीवन में उनके घर में अन्न वस्त्र की कभी अभाव नहीं पड़ेगा, घर में कभी किसी चीज की कमी नहीं पड़ेगा। इसलिए आज अक्षय तृतीया है, आप लोग जो कुछ करेंगे इसका फल आपको अक्षय फल की आपकी प्राप्ति होगी। इसलिए आप लोग सुने होंगे एक एक अक्षय पात्र सुने हो, ये अक्षय पात्र किसको पास में था? द्रौपदी के पास में। ये सूर्य देवता ने ये अक्षय पात्र द्रौपदी को दिया था, बोले द्रौपदी जब तक तुम भोजन नहीं करोगे दिन में, हजार करोड़ लोग अगर आ गए ना तुम सबको खिला सकती हो, लेकिन तुम भोजन करने के बाद फिर किसको तो खिला नहीं सकती है। अक्षय पात्र मतलब कभी वो कभी खे नहीं होगा, कभी कभी नहीं पड़ेगा। इसलिए जिस समय ध्रुवासा जी दुर्योधन को घर में आए, दुर्योधन तो खूब खिलाया पिलाया, दुर्वासा जी कौन है? शंकर जी की अवतार है, थोड़ी सी में खुश और थोड़ी सी में नाराज है, खूब उनको भोजन कराया। दुर्वासा तो खुश हो गए, बोले बर्मा को क्या चाहते हो? वो चाह रहा था कि किस तरह से पांडव लोगों को नष्ट कर दे हैं? इसलिए उन्होंने पता लगाए एक गुप्तचर से, तुम देखो द्रौपदी कब भोजन करके ये अक्षय पात्र को कब धो धा कर रख ले, फिर तो दुर्वासा जी को यहाँ से भेजेंगे, दुर्वासा जी को यहाँ से भेजेंगे। वो पता लगाया जब द्रौपदी पहले सारे साधु संतों को खिलाती है, उसको बाद में पति को, उसको बाद में जो बच्ची जाती है खुद खाती है, वो पता लगाए द्रौपदी ने भोजन कर दिया, भोजन करके बटलोई को धो धा कर रख दी। इतने में खबर दिया द्रौपदी अक्षय पात्र को धो धा कर रख लिया है। इतने में दुर्योधन बोले जाओ, जैसे आप हम लोग को ऊपर में कृपा की है, हमारे भाई लोग भी पास में रहते हैं, आप उनको ऊपर में भी कृपा करो। जब वहां पर दुर्वासा जी 10,000 शिष्यों को लेकर पहुंचे, युधिष्ठिर महाराज देख रहे तो कांप गए, ये दुर्वासा नहीं स्वयं काल आ गए। इतने में भीमसेन को भेजा, बोलो भीमसेन एक काम करो जल्दी जल्दी जाओ, किसको पास में? द्रौपदी को पास में पूछो तो उसने भोजन कर चुकी कि नहीं कर चुकी। जब द्रौपदी को पास में आए भीमसेन पूछने के लिए, बोले पहले तो सारे साधु संतों को, उसको बाद में आपको, फिर लास्ट में मैं भोजन करती हूँ, मैं तो भोजन करके बटलो अक्षय पात्र को धो धा करके मैंने रख लिया। बोले द्रौपदी सर्वनाश हो गया, आज तो दुर्वासा जी वो स्वयं काल है, शंकर जी का प्रकाश है ना, बोले दुर्वासा जी 10,000 शिष्यों को लेकर के आए, लगता है आज जीवन का लास्ट दे दिया, यहाँ तो कोई राज को सोए है नहीं, बनाओ और उनको खिला दो, लगता है आज जीवन का अंतिम दिन है। इतने में पंच पांडव ने बैठ गए, दुर्वासा जी को बोले नहा करके आओ, पंच पांडव बैठ गए, बैठ करके बोले द्रौपदी यद्यपि कृष्ण हम सबको प्रेम करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा प्रेम तुम्हें करते हैं। क्यों? कृष्ण द्रौपदी को सखी बोल करके संबोधन करते थे, कहते सखी है, इतने प्रिय थी द्रौपदी, बोले तुम एक बार बैठ करके ठाकुर को याद करो। इतने में द्रौपदी बैठ करके हृदय से उनने ठाकुर को स्मरण किया, बोले हे ठाकुर जी, हे दीन बंधु, हे पतित पावन, हे भक्तों को त्राण करने वाले, ये पांच पांडव तुम्हारी भक्त है, मैं तो कभी अपना किए तुम्हारी कुछ बताया नहीं, लेकिन कृष्ण गीता में क्या प्रतिज्ञा किया है? बोले कौंतेय प्रतिजानी न मे भक्ता प्रणशति, बोले अर्जुन तुम प्रतिज्ञा करो मेरे भक्तों का कोई विनाश नहीं। इसलिए द्रौपदी तुम बैठ करके, जब उसने याद की ठाकुर जी को, ठाकुर जी उस समय कहाँ थे? द्वारका में, और स्मरण कहाँ कर रहे हैं? काम्य वन में, ये ब्रज में काम्य वन में, लेकिन वो थे कहाँ पर? द्वारका में थे। जब उन्होंने हृदय से आंखों से आंसुओं को बहाते हुए जब भगवान कृष्ण को पुकारे, इतने में रुक्मिणी ठाकुर को सामने छाप्पन भोग 36 व्यंजन बना करके बैठी हुई, ठाकुर भोजन लेने जा रहे थे, इतने में द्रौपदी का आवाज टकराई और आया हुआ भोजन का थाली कृष्ण सरका दिया। रुक्मणी बोले प्रभु भोजन करो, बोले द्रौपदी आज मेरे भक्तों को ऊपर विपत्ति पड़ी है, आज मेरे को अपना सखी द्रौपदी घर में भोजन करना। रुक्मणी बोले प्रभु सामने आया हुआ थाला को अगर सरका करके टकरा कर चले गए ना, दिन भर कहीं भोजन नहीं मिलेगा, इसलिए भोजन करके जाओ। बोले द्रौपदी अभी मेरे पास में कोई समय नहीं, अभी अभी मेरे को जाने का है। इतने में कृष्ण एकदम
मन से भी ज्यादा गति में कहा द्रौपदी के पास में पहुंच गए। और द्रौपदी आंखों का आंसू बहाते हुए कृष्ण को याद कर रही थी। इतने में कृष्ण बोले, बोले द्रौपदी द्रौपदी पांचाली, द्रौपदी बोले कृष्ण कृष्ण तो द्वारका में है, यहाँ पर कृष्ण का आवाज कहाँ पर है। जब उन्होंने आंख खोल के देखा ना, सामने भगवान खड़े, सामने श्री ठाकुर जी सामने खड़े हुए। इसलिए कहते हैं ना, कोई कहते हैं भगवान आते नहीं, द्रौपदी जैसे तो बुलाते नहीं। कोई कहते हैं भगवान खाते नहीं, सबरी के जैसे तो। कोई कहते हैं भगवान नाचते नहीं, ब्रज गोपियां जैसे तो। भगवान सब कुछ करते हैं, लेकिन उसको हृदय से पुकारने का देर है और कुछ नहीं। ठाकुर जी भक्त के लिए सब कुछ करते हैं, इसलिए भगवान का नाम श्री भक्त वत्सल है। बोले श्री भक्त वत्सल भगवान की। जब उन्होंने देखा ठाकुर जी आ गए, बस सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिए। जब ठाकुर जी आ गए, इसलिए कहते ना, जागरा के साइया मार सके ना कोई, बाल ना बांका कर सके जो जगह बैरी होई। जब देखा भगवान आ गए, बोले सारे दुख हमारी खत्म हो गया। इतने में कृष्ण बोले द्रौपदी द्रौपदी, परसा हुआ थाला को मैंने छोड़ कर आया हूँ, बड़े तेज भूख लग रहा है, कुछ भोजन की व्यवस्था कर। बोले प्रभु इसलिए तो आपको मैंने बुलाया है। दुर्वासा जी 10,000 शिष्यों को लेकर के यहाँ पर आए, यहाँ तो कोई राजकोष है नहीं जो बना करके हम खिला दे। इसलिए प्रभु इसलिए तो बोले द्रौपदी, घर में अगर कोई व्यक्ति आए, पहले हम क्या करते हैं, अपना समस्या बाद में बताते हैं, पहले बैठाएंगे, पानी पिलाएंगे, भोजन कराएंगे, फिर बताते भैया ये बात। बोले अभी घुसा नहीं, तुम पहले सारे प्रॉब्लम बताना, समस्या बताना शुरू कर दिया। अरे मेरे को भूख लग रहा है, पहले भोजन तो बात, फिर तो मैं तुम्हारी समस्या को सुनूंगा। बोले प्रभु आपको पता है, जब तक मैं भोजन नहीं करती हूँ तब तक विश्व ब्रह्मांड को मैं भोजन करा सकती हूँ, लेकिन जब मैं भोजन कर लेती हूँ अरे किसी को भी मैं भोजन नहीं करा सकती, आपको तो पता है। बोले द्रौपदी पात्र तो लेकर के आओ। बोले मैंने खा पी करके धो धा कर रख लिया। बोले द्रौपदी लाओ तो सही। जब उन्होंने अक्षय पात्र को लाया, नाम क्या था, आज अक्षय तृतीया है, इसलिए जब अक्षय पात्र को बता, आज का दिन ही उनको ये अक्षय पात्र मिला था। बोले अक्षय पात्र ले आओ। जब अक्षय पात्र को लाए, देखा सचमुच से ठाकुर जी की विचित्र माया है। देखा एक अन्न की दाना है। बोले एक गिलास पानी ले आओ। ठाकुर जी एक का अन्न खा करके एक गिलास पानी पिए और डकार तोले। बोले अगर मेरा नाम विश्वम्भर है, विश्वम्भर मतलब क्या है, विश्व ब्रह्मांड को जो भरण पोषण करते हैं, अगर मेरा नाम विश्वम्भर है, मैं तृप्त हो गया हूँ, विश्व ब्रह्मांड तृप्त हो जाए। इतना जब बोले अक्षय पात्र की महिमा, जब बोले वो जो ऋषि जितने थे सबके सब वहां पर स्नान कर रहे थे विमला कुंड में, इतने में देखा उनका पेट इतना इतना बड़ा बड़ा हो गया, इतना इतना बड़ा बड़ा, जैसे कोई उल्टी हो जाएगी, लग रहा था मानो रसमलाई लिंडगी ने है राबड़ी खूब बढ़िया करके खाए, वो जैसे उल्टी हो जाएगी। बोले भैया हमने तो कोई भोजन नहीं किया, पेट इतना बड़ा बड़ा कैसे हो गया। एक दूसरे तरफ में देख रहे थे। इतने में कृष्ण ने कहा भीम जाओ सारियों को बुला करके लाओ। बोले प्रभु ये काल को नौता क्यों दे रहे हो, ये दुर्वासा नहीं ये काल। बोले चिंता नहीं, गदा लेकर के जाओ। भीमसेन गदा लेकर के जा रहा था ऐसे ऐसे हिलते हिलते। दूर से जब ऋषियों ने देखा भीमसेन आ रहे हैं बुलाने के लिए, ये लोग तो जरूर भोजन के लिए कुछ व्यवस्था किए होंगे। भैया हजमला खाने का भी हिम्मत नहीं, हाँ हजमला खाने का भी हिम्मत नहीं, अगर भोजन नहीं कर पाए ना, जो गदा भीम का एक नीचे ने पीठ पर गिरेगा। जितने ऋषि लोग वहां से भाग रहे थे सबके सब हैं, वो भाग नहीं पा रहे थे, इतना भोजन किए हुए थे। इतने में जब वहां पर पहुंचे पहुंच भीमसेन मैदान खाली। अब जो दुर्वासा जा रहे थे ना, दुर्योधन क्यों भेजा था पांडव को मरवाने के लिए, लेकिन जब दुर्वासा जा रहा था आशीर्वाद दे करके, बोले मैं आशीर्वाद देता हूँ तुम्हारे जाते सारे शत्रु विनाश हो जाए, तुम्हारे सारे शत्रु विनाश हो जाए, उन्होंने मैं तुमको आशीर्वाद दे रहा हूँ। बोले भैया ये किसकी कमाल है, कहते अक्षय पात्र की ये कमाल है, आज का दिन उन्होंने अक्षय पात्र को दान दिया था, इसलिए आज का दिन ठाकुर जी जो चंदन का श्रृंगार है, यदि साल में ठाकुर जी को एक बार चंदन का श्रृंगार एक बार होता है, क्योंकि आज का दिन
जगन्नाथ पुरी में भी 21, हम तो यहाँ पर एक दिन करते हैं, किसी किसी मंदिर में 21 दिन तक होती है ये चंदन का सीजा, क्योंकि आज का दिन गर्मी सबसे ज्यादा बढ़ती है, 21 दिन तक रहती है। इसलिए आज इधर तो गर्मी पता नहीं 4-5 महीना रहेगा, लेकिन बंगाल उड़ीसा में वहाँ पर वो 21 दिन तक ज्यादा गर्मी रहता है। ठाकुर जी को, जगन्नाथ जी को तो 21 दिन तक ठाकुर जी को चंदन का श्रृंगार होता है। आज का दिन जगन्नाथ जी जो रथ यात्रा का काम आज से शुरू होगा, क्यों? जो काम करेंगे उसका फल अथवा फल मिलेगा, इसलिए आज का दिन वहाँ पर ठाकुर जी की रथ बंधना ठाकुर पर शुरू हो गया आज का दिन। और आज का दिन ही ठाकुर जी को जगन्नाथपुरी में एक चंदन सरोवर, वहां पर भी चंदन सरोवर है, वहां पर ठाकुर जी को जैसे जैसे गर्मी हम क्या कर जल विहार करते हैं ना, वहां पर कृष्ण बलराम को वहां पर लाते हैं ठाकुर जी, वहां नाव में बैठ करके 21 दिन तक रात को ठाकुर जी जैसे कृष्ण ब्रज गोपियों के साथ में ये नल जल विहार करते थे यमुना में, वहां पर भी 21 दिन तक ठाकुर जी का अलग अलग ड्रेस होता है और ठाकुर जी वहां पर ठाकुर जी जल विहार ठाकुर जी करते हैं। इसलिए आज का दिन बड़ी महत्व का दिन है। ठाकुर जी को देखोगे आज 4 बजे खुलेगा मंदिर जी, जब तक ठाकुर का कोई दर्शन नहीं करना कोई नहीं जाना, आज 4 बजे ठाकुर का दर्शन मिलेगा, पूरा के पूरा शरीर ठाकुर जी की चंदन में श्रृंगार होता है। अब दूसरे दूसरे मंदिर में भी देखोगे चंदन का श्रृंगार होता है, लेकिन हमारे ठाकुर का जितना सुंदर चंदन का श्रृंगार है ना आप देख लेना, और कहीं भी इतने सुंदर चंदन का श्रृंगार कहीं भी इतना सुंदर नहीं होता। यहाँ पर ठाकुर जी के जितने सुंदर डेकोरेशन और बड़ा कारीगरी जो उसमें बड़ी सुंदर कारीगरी करके हमारे श्रीराम प्रभु जी और श्यामानंद प्रभु जी ये लोग सबके सब ठाकुर जी की चंदन का श्रृंगार, शाम को फूल बंगला भी होएगा और डोरीलाल भैया भी आज आपको बड़े सुंदर सुंदर ब्रज की रस्सियाँ भी आपको सुनाएंगे। इसलिए आज का दिन अन्नकूट का जो हमारे ये किया था माधवेंद्रपुर के से हमारे श्री कृष्णदास प्रभु का आपको भी सुंदर सुंदर कथा सुनाएंगे आज का जो विशेष विशेष बात है, ठीक है? प्रणिता गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। अज्ञानतिमिरान्धस्य शलाकया तच्छुरन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे ओरचन्द्राय राधिकाय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने गुरु पाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शक्ति श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहित की कृपा की प्रार्थना करता हूँ। तत्पश्चात पूज्यपाद भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज जी एवं उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी के चरणों में यथा योग्य प्रणाम अर्पण करता हूँ। महाराज जी का आदेश हुआ अक्षय तृतीया के विषय में कुछ बोलने के लिए। पहले हम लोग जो है इस शब्द का अर्थ समझने का प्रयास करेंगे, अक्षय का मतलब क्या है, क्षय का मतलब क्या होता है, सभी लोग जानते हैं? तो क्षय का मतलब क्या होता है, जिसका नाश हो जाता है, उसके पहले आ लगा दिया तो अक्षय, अर्थात जिसका नाश नहीं होता। अभी महाराज जी ने बहुत सारे उदाहरण दिए, अब मैं आप लोगों से प्रश्न पूछूंगा। जैसे कहते हैं दिन में दिया हुआ दान वो अक्षय होता है, इस दिन में सृष्टि हुई इसलिए वो अक्षय है, ये बताओ सृष्टि का अंत होता है कि नहीं होता? महाप्रलय होती है, महाप्रलय होती है तो सृष्टि का अंत होता है कि नहीं होता है? तो जब सृष्टि का ही अंत हो जाता है तो फिर वो अक्षय कैसे हो सकती है? इसी प्रकार से जो दान दिया, जो देने वाला दान देने वाला व्यक्ति है वो भी मर जाता है, अक्षय कैसे हुआ? हम लोग सुनते हैं देवता लोग अमर हैं, सुनते हैं ना उन्होंने अमृत पिया, देवता लोग अमर हो गए,
लेकिन ये बात तो ठीक नहीं है। इंद्र की उम्र होती है एक मनवंतर, एक मनवंतर मतलब 71 चतुर्युग होता है, एक चतुर्युग में 43,20,000 साल होते हैं, तो 43,20,000 इंटू 71 कितना कर दो बस उम्र इतनी है इंद्र, लेकिन उसको अमर बोलते हैं। तो ये सब जो बातें हैं, अच्छे बोला अमर बोला, ये सब सापेक्ष है, अर्थात हमसे बहुत ज्यादा समय तक के लिए वो जीवित है। सृष्टि भी बहुत ज्यादा समय के लिए चलती है, ब्रह्मा जी की उम्र जो है 100 वर्ष है, वो 100 वर्ष अरबों खरबों साल है, इसलिए उसको बोला गया है अक्षय है। लेकिन वो वास्तव में अक्षय नहीं है। लेकिन आज की तिथि का महत्व तो क्या है, अक्षय का मतलब है जो भक्ति करता है वही अक्षय। और यही बात महाराज जी बार बार बताने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन बहुत से लोगों को समझ में ही नहीं आया होगा, इसलिए मैंने ये उदाहरण दे करके पूछा कि अक्षय का मतलब ये जगत में जितने भी कार्य करने वाले हो तुम लोग, वो सब अक्षय हो ही नहीं सकते, उनका फल लंबा हो सकता है। जैसे भी बताया ब्रह्मा जी की उम्र है बहुत अधिक है, देवता लोग अमर हैं, बहुत लंबे उम्र तक जीते हैं, लेकिन जो भगवान का भजन करता है वही अक्षय है, और वो कभी भी नष्ट नहीं होता। उसका कारण क्या है, उसका कारण है कि जो भक्ति है वो आत्मा की वृद्धि है, और आत्मा नित्य है, आत्मा अक्षय है, शरीर अक्षय नहीं है, आत्मा अक्षय है। इसलिए जो हरि गुरु वैष्णवों को सेवा के लिए कुछ भी दिया जाता है वो अक्षय होता है। अभी जाकर के आप लोग अगर वहां पर परिक्रमा मार्ग में बैठे, बहुत से लोगों ने परिक्रमा लगाई होगी सोच करके आज जो दान दे देंगे वो अक्षय होगा, ऐसा नहीं होता। लेकिन ठाकुर जी के लिए दिया होगा वो अक्षय होगा। अभी महाराज जी ने जो कथा सुनाई इसमें बड़ी शिक्षा है। महाराज जी ने अभी जो बताया अक्षय पात्र का, तुम सभी लोगों ने सुना, तो ये बताओ जो भगवान कृष्ण है वो जब वहां पर उपस्थित हो गए और उपस्थित होकर के कह रहे हैं कि द्रौपदी मुझे भूख लगी है कुछ खिला दो, ये सब उनको अभिनय करने की जरूरत क्या है बताओ। भगवान चाहते तो ऐसे ही संकल्प करके वो ऋषियों के पेट नहीं भर सकते, सारे जगत का पेट नहीं भर सकते कि नहीं भर सकते, उनको क्या जरूरत थी ये मांगने की, एक दाना खाने की क्या जरूरत। लेकिन वही भगवान शिक्षा दे रहे हैं कि देखो मुझे जो एक दाना दिया वो तो अक्षय है, लेकिन बाकी सारे हजारों लाखों लोगों को खिलाया वो अक्षय नहीं है। इसलिए भगवान जगत में ये शिक्षा देने के लिए कि भगवान को जो दिया जाता है, भक्तों को जो दिया जाता है, वो भक्ति है। इसलिए दान और सेवा में अंतर बताते हैं हम लोग, बहुत समझ में आना चाहिए लोगों को, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है दान और सेवा में क्या अंतर होता है। किसी भी ऐसे व्यक्ति को आपने दान दिया जो भजन नहीं कर रहा वो दान हो गया, और दान में क्या है, देने वाला हो गया दाता और लेने वाला हो गया भिखारी। दाता हमेशा बड़ा होता है और भिखारी हमेशा छोटा होता है, जो दान लेने वाला वो छोटा ही होता है, वो कितना भी छोटा दान हो चाहे बड़ा, 1 रुपया दिया तो भी जो मांगने वाला है वो छोटा ही है। लेकिन दूसरी ओर विचार करो, आपने गुरु जी को 1 रुपया छोड़ो 1 लाख दे दिया, 1 करोड़ दे दिया, तो क्या आप गुरु जी से बड़े हो गए, क्या हुए, कुछ भी दे दो अपना तन मन प्राण सब कुछ भी दे दो तब भी जो गुरु जी है वो बड़े ही रहेंगे। क्यों, ये सेवा है, सेवा में जो सेव्य है वो बड़े ही रहते हैं और जो सेवक है वो हमेशा छोटा ही रहता है। हनुमान जी दिन रात 24 घंटे राम जी की सेवा करते हैं, तो राम जी बड़े हुए कि हनुमान जी बड़े हुए, ये विचार करना बहुत जरूरी है। क्योंकि दान में फिर क्या होता है, दान में पाप और पुण्य दोनों का विचार होता है, इस बात को समझना। जो संसारिक लोगों को वस्तु दान देते हैं, पद्म पुराण में एक श्लोक आता है, धूम्रपान रते विप्रे दाने कुर्वन्ति ये नरा दातारे नरके यान्ति ब्राह्मणो ग्राम सूकरः। बहुत से लोग सोचते हैं यहाँ परिक्रमा मार्ग में बहुत सारे साधु बैठे हुए लाल कपड़ा पहन करके, और वो बाद में क्या करते हैं, वो बीड़ी पीते, गांजा पीते, चाय पीते। बहुत से लोग तो बोल बोल करके लेते, अरे आज अच्छा तृतीया एक दे दो ना 10 रुपया चाय पी लूंगा। अभी उसको तुम चाय पिला रहे हो, साथ क्या कहता है, धूम्रपान रते विप्रे दाने कुर्वन्ति ये नरा, जो भी धूम्रपान में रत विप्र को दान करता है दातारे नरके यांति, दाता नरक को जाता है। आप तो सोच करके गए कि मैं तो अच्छे तृतीया को दान कर रहा हूँ, उसके लिए आपको फल क्या मिला, नरक में जाना पड़ता, इसलिए विचार करना पड़ेगा। और ब्राह्मणों ग्राम सूकर,
जो ब्राह्मण दान लेता है ऐसे और उसका धूम्रपान में यूज करता है उसको फिर सुअर बनना पड़ता है। इसलिए हर चीज को अच्छे से सोच विचार करके करना चाहिए। लेकिन भक्ति में ये विचार नहीं होता है। ठाकुर जी की सेवा के लिए आपने दिया, अगर किसी ने सेवा में लगाया तो उसको भी फल मिलेगा, अगर उसने सेवा में नहीं लगाया तो उसको ही दंड मिलेगा, लेकिन हमको ठाकुर जी की सेवा का फल मिल जाएगा और ये अच्छा है। इसलिए बताया अक्षय तृतीया। इसमें एक बड़ी सुंदर कथा आती है दान में। एक और बात बता देता हूं, दान में जो कुछ भी दान किया फिर आपको फल भी वही मिलता है। रामायण में, वाल्मीकि रामायण में एक कथा आती है, उसमें कथा आती है कि एक व्यक्ति था, बड़ा दान पुण्य करता था, बड़ा दान पुण्य करता था। उसने बहुत सारे सोना चांदी हीरे जवाहरात कपड़े लगते भूमि सब कुछ दान किया। तो दान करने के बाद में मर करके वो स्वर्ग पहुंचा। दान पुण्य किया है तो स्वर्ग तो जाएगा ही जाएगा, तो स्वर्ग पहुंचा। जब स्वर्ग में पहुंचा तो वहां पर उन्होंने अकाउंट देखा इनका, भाई अरे बड़ा दान पुण्य किया है, बड़ा खूब स्वर्ग के जितने भोग हैं सब उनको खोल दिए गए, खोल दो, लेकिन खाने को कुछ नहीं मिलेगा। कहते ऐसा क्यों है? कि भाई तुमने सब कुछ तो दान किया किंतु तुमने कभी भी खाने की वस्तुएं तो दान नहीं, अन्न दान किया ही। अब क्या करे बेचारा, खाने को नहीं मिलेगा, सब कुछ हमको देखो सब कुछ दे दिया जाए, पूरा एसी लगा लिया जाए, मर्सिडीज कार दे दी जाए, बड़ा महल दे दिया जाए, खाने को ना दे तो सब क्या है, सब बेकार है, किसी काम का नहीं है। तो वो बेटा बड़ा परेशान हो गया। कहते ब्रह्मा जी से प्रार्थना करी उसने कि ब्रह्मा देव मुझे कुछ तो उपाय बताइए, मैं करूं क्या, ऐसे भूखा कैसे रहूंगा, कुछ खाने को कुछ तो उपाय बताओ। तो उन्होंने कहा कि देखो एक ही उपाय, तुमने दान पुण्य तो किया नहीं, खाने की चीज है इसलिए तुमको वो दंड तो भोग करना ही पड़ेगा, लेकिन मैं तुम्हें एक ऐसा उपाय बताता हूँ जिससे तुम्हारा काम चल जाएगा, तुम अपना मांस काट करके खा सकते हो। और वो एक सरोवर है उसमें फिर जब तुम स्नान करोगे तो वो जितना जो काटा है ना वो फिर वापस आ जाएगा। अभी बताओ कैसी स्थिति होगी, हमको कोई ऐसा बोल दे कि तुम्हें अब मांस काट के खाना पड़ेगा, लेकिन कोई ऑप्शन ही नहीं तो खाना पड़ा। अब वही काट काट करके खाता, इतना दुखी हो गया कि तो ये कैसे जीवन चलेगा भाई, इतना सारा भोग भी उसको अच्छा नहीं लगता है, क्यों खाने को कुछ मिलता है। अंत में फिर ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, प्रभु कोई तो उपाय बता दो। तो उन्होंने कहा देखो तुम्हारे भाग्य से इस समय राम जी यहाँ पर हैं, त्रेता युग चल रहा था, पृथ्वी पर राम जी हैं, उनको जाकर के तुम बस एक फल दे दो, बस एक फल दे दो, बस उसके बाद तुम्हें और कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, जो चाहिए खाने को वो सब मिल जाएगा। तो वो गया यहाँ पर पृथ्वी में आया और पृथ्वी में राम जी एक यज्ञ कर रहे थे, वहां पर राम जी के चरणों में प्रार्थना करने लगा, एक फल लेकर के गया राम जी को देने लगा। तो राम जी ने कहा भाई मैं तो क्षत्रिय हूं, मैं तो दान नहीं लेता हूं, ये तो ब्राह्मणों को दो, मैं क्षत्रिय दान थोड़ी लेते, ब्राह्मण लोग दान लेते। तो कहता है नहीं प्रभु, ब्राह्मणों को दान देने से कुछ नहीं होगा, आपको आपको देने से ही होगा क्योंकि आप भगवान है। तो फिर और जो मंत्री इत्यादि उन्होंने भी समझाया कि प्रभु अगर आप ही ग्रहण नहीं करेंगे तो फिर किसको देगा ये, तो इसलिए फिर भगवान ने कहा ठीक है दे दो, और उसको उसने एक फल दे दिया। बस उसके बाद जो कुछ भी उसको खाने के लिए चाहिए वो सब कुछ प्राप्त होने लगा। ये है अक्षय। तो भगवान और उनके भक्तों को, यानी जो भक्ति की क्रिया हम करेंगे, जैसे भी महाराज जी ने बताया आज आप लोग ब्रज में आ गए ये भक्ति हो गई, ये अक्षय, ये कभी नहीं नष्ट होगी। लेकिन बाकी सारी चीजें नष्ट हो जाती है। हिरण्यकश्यपु ने तपस्या करके बड़ी शक्तियां प्राप्त की लेकिन वो काम नहीं आई, और प्रहलाद महाराज ने कौन सी तपस्या करके शक्ति प्राप्त की, लेकिन उनकी शक्ति अच्छा है। हिरण्यकश्यपु उनके सामने भयभीत हो गया, सोचता इसके पास कौन सी शक्ति है कि मेरे डर के मारे तीनों लोग कांपते हैं और इससे मैं भी डर रहा हूं, क्योंकि मैं इसको न तो बदल पा रहा हूं और न ये मेरी बात सुनता है, करूं तो क्या करूं तो समझ में नहीं आ रहा। तो वही उल्टा डर गया, क्यों, उसकी शक्ति अच्छे नहीं है, लिमिटेड है। लेकिन प्रहलाद महाराज भक्त हैं इसलिए उनकी शक्ति भी अनलिमिटेड है। इसीलिए बताया अक्षय तृतीया के दिन भी विचार करना पड़ेगा कि हमको करना क्या है, नहीं गलत काम किया और सोचा कि हमें अच्छा हो जाएगा, गलत जगह पर चीजें दे दी, दान पुण्य व्रत इत्यादि सब किया तो वो अच्छा नहीं होगा, उसके कुछ लिमिट होगा। ये है ज्यादा समय के लिए उसका फल रहेगा, ठीक है। इसीलिए सभी लोग सावधान रहें।
दूसरी बात एक और है, महाराज जी ने आदेश दिया श्री चंदन यात्रा के लिए, क्यों ये चंदन यात्रा प्रारंभ हुई, इसके लिए बड़ी सुंदर कथा आती है श्री माधवेंद्रपुरी पाद में। श्री माधवेंद्रपुरी हमारे जो भक्ति की शाखा है, जो गौड़ी संप्रदाय है, उसमें श्री चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण हैं, उनके गुरु जी हुए श्री ईश्वरपुरी, और उनके गुरु जी थे श्री माधवेंद्रपुरी। जो मधुर रस की भक्ति है वो माधवेंद्रपुरी से ही हमारे संप्रदाय में प्रारंभ हुई ऐसा माना जाता है। तो श्री माधवेंद्रपुरी यहीं पर ब्रज में रह करके भजन करते थे, गिरिराज जी की परिक्रमा करते थे। एक दिन गिरिराज जी की परिक्रमा करते करते एक पेड़ के नीचे बैठ गए, खाने के लिए कुछ नहीं मांगते थे वो, उनकी थी अयाचित वृत्ति। अयाचित वृत्ति मतलब वो बहुत उन्नत कोटि के सन्यासी जो शारीरिक धर्म से पूरा ऊपर उठ चुके और खाने के लिए कुछ भी किसी से मांगते नहीं है। किसी ने अगर अपनी इच्छा से कुछ दे दिया तो वो ग्रहण कर लेते हैं, अन्यथा भूखे ही रहते हैं। ऐसे उन्नत कोटि के सन्यासी थे। तो एक स्थान पर बैठे हुए थे और बैठे बैठे देखा कि एक बालक आया दूध का गिलास हाथ में लेकर के, कहता है बाबा बाबा ये दूध का गिलास पी लो, दूध पी लो, मेरी माँ ने भेजा है। तो उन्होंने पूछा तुमको कैसे पता चला मैं भूखा हूं? तो बालक कहने लगा कि देखो हमारे गांव में ना कोई भी भूखा नहीं रहता साधु, अगर कोई मांग कर खा लेता है तो हम लोग उसको दे देते हैं, किंतु अगर कोई मांग करके नहीं खाता है तो हम अपने आप जा करके उसको दे आते। तो मेरी माँ आई थी इधर में और उसने देखा कि आप इधर कोने में एकांत में बैठे हुए हो, तो उसने सोचा आप भूखे होंगे इसलिए मुझे भेजा है कि दूध का गिलास लेकर आप ये दूध ले लो। तो उन्होंने कहा ठीक है रखो, और उसके बाद हरि नाम करने लगे। दूध पिया उन्होंने तो प्रेम के विकार उत्पन्न हो गए और बार बार मन जो है वो बालक की तरफ जाता है। तो श्री माधवेंद्रपुरी सोच रहे हैं कि मेरा मन जो कि संसार की किसी बालक या किसी भी वस्तु की तरफ उनका मन जाता ही नहीं है, सब समय कृष्ण में ही लगा रहता है। उनके लिए वर्णन आया प्रेममय जत सब संगे अनुचर प्रेममय जार कलेवर। जो श्री माधवेंद्रपुरी है उनका कलेवर कैसा प्रेममय, केवल प्रेम के अतिरिक्त वो कुछ और जानते ही नहीं, अर्थात कृष्ण के अतिरिक्त कुछ चिंतन ही नहीं करते, और उनके जो अनुचर है वो सब भी प्रेममय ही, ऐसी उनकी महिमा है। तो फिर उनका मन ये जो बालक है इसमें क्यों जा रहा है, इसलिए वो विचार कर रहे हैं। विचार करते करते हरि नाम करते करते थोड़ी उनको नींद सी आई। जैसे ही नींद सी आई और उनको स्वप्न में फिर वही बालक आ गया, और बालक आकर के कहता है माधवेंद्र मैं गोपाल हूँ गिरधारी, मैंने गोवर्धन उठाया था और मैं बहुत दिन से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था, बहुत दिन तुम्हारे पथ करी निरीक्षण, कबे आसी माधव आमा करिवे सेवन। मैं बहुत दिन से प्रतीक्षा कर रहा था कि माधवेंद्र कब आएगा और आकर के मेरी सेवा करेगा, और उन्होंने क्या किया, अब उनका हाथ पकड़ करके कि देखो मेरे जो सेवक लोग हैं वो मलेच्छों के भय से मुझे यहाँ पर जमीन में गाड़ करके झाड़ियों के पीछे छुपा करके चले गए, अब तो मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मैं बहुत दिन से यहाँ पर हूँ और शरीर में बहुत ताप हो रहा है। अब देखो यहाँ पर जो गोपाल जी हैं क्या कह रहे हैं, मैं बहुत दिन से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था, अगर उनको शरीर में ताप हो रहा है भूख लग रही है तो क्या ब्रज में लोग नहीं थे? यही समझने वाली बात जो महाराज जी ने अभी बताया कि ठाकुर जी को भोग लगा करके खाना चाहिए है? लेकिन कैसे भोग लगा करके खाना चाहिए? अभी महाराज जी ने बताया ना कि तुम सबरी की तरह तुम खिलाते नहीं, कौन कहता है भगवान खाते नहीं, तुम सबरी की तरह बेर खिलाते नहीं, इसका मतलब क्या हुआ? सबरी की तरह सबरी ने क्या उसमें मिला दिया, कुछ स्पेशल उसमें डिलीशियस कुछ चीज मिलाई थी क्या? हाँ मिलाया था, लेकिन वो डिलीशियस चीज थी प्रेम, वो प्रेम था। तो इसलिए ब्रज में तो बहुत सारे लोग रहते हैं किंतु गोपाल जी को भूख नहीं लगती, क्योंकि उनके अंदर में वो वाला प्रेम नहीं है। जैसे ही माधवेंद्रपुरी को देखा तो ठाकुर जी को फिर भूख लगाई बड़ी तेज, कि इतने दिन से भूखा हूं मैं, अब तक नहीं लग रही थी। किंतु देखो ये बात हम लोग जानते सर, जब कृष्ण शांति दूत बन करके गए, शांति दूत बन करके गए और जो दुर्योधन है उसने उनको अपनी साइड में मिलाने के लिए बड़े 56 भोग बनाए, सोने की थालियों में सजा दिए गए, और कृष्ण से कहता है कि आइए आप हमारे यहाँ पर आपका निमंत्रण है, क्योंकि उसको खिला देंगे, खिला करके उनको वशीभूत कर लेंगे। दुर्योधन ने ऐसा कपट एक बार और भी किया था युद्ध से पहले, उनके जो मामा थे पांडवों के उनको ऐसे खिला करके अपने तरफ कर लिया था।
तो कृष्ण के लिए भी ऐसे ही कपट कर रहा है, लेकिन कृष्ण तो अंतर्यामी जानते हैं, तो इसलिए उन्होंने मना कर दिया। कहते कि दुर्योधन, कोई व्यक्ति किसी के यहाँ पर खा सकता है, तीन कंडीशन होनी चाहिए। पहली बात, बहुत प्रीति हो किसी के यहाँ पर तो खा सकता है, सही बात है। अथवा बहुत भूख लगी हो। तो कृष्ण कह रहे हैं मुझे तो भूख लगती नहीं है, मैं तो आत्मा रहा हूं। देखो कृष्ण ने स्वयं बोला मुझे भूख नहीं लगी। और तीसरी बात, अगर कोई किसी काम से गया हो और उसका काम बन जाए तो खा सकता है, लेकिन तीनों कंडीशन तो हुई नहीं। अभी मैं बताओ क्या करूं, इसलिए मुझे भूख भी लगी नहीं है, भाई मैं जा रहा हूं यहां से, मुझे भूख नहीं लगी, मैं नहीं खाऊंगा। कृष्ण ने बोला मुझे भूख नहीं। उसी समय फिर वहां से चल करके विदुर जी के यहां पर गए, और विदुरानी ने जैसे ही द्वार खोला सामने कृष्ण को देखा, कृष्ण को देखते ही प्रेम में तो वो डूब गई पूरा, और देखते ही रह गई। और जैसे ही उनको देखा, उनके प्रेम को देखा, अभी कृष्ण कह रहे हैं अरे विदुरानी बड़ी तेज पेट पे हाथ फिरा रहे हैं। अभी अभी दुर्योधन क्या 56 भोग छोड़ करके आए हैं, तब भूख नहीं लग रही थी, लेकिन जैसे ही विदुरानी के प्रेम को देखा तो भूख लगाई। मतलब क्या है, कृष्ण को भूख लगती है, लेकिन कब लगती है, जब हृदय में प्रेम हो, नहीं तो भूख नहीं लगती, फिर वो आत्मा राम है। इसलिए माधवेंद्रपुरी को देखकर ही जो गिरधारी गोपाल है उनको भूख लगाई, उन्होंने ऐसे बोला। सवेरे माधवेंद्रपुरी उठे और उन्होंने सारे गांव वालों को बुलाया, और बुला करके वो जो स्थान था जहां पर उन्होंने स्वप्न में ले गए थे, उसको झाड़ियों को काट करके उस स्थान से फिर वो गोपाल जी प्रकट हुए। बोलो श्री गिरधारी गोपाल की जय। उसके पश्चात में जो भी महाराज जी बता रहे थे कि फिर अन्नकूट हुआ, क्योंकि ठाकुर जी इतने दिन से जमीन के अंदर में थे, इतने दिन से भूखे थे, भूख लग रही बहुत, तो श्री माधवेंद्रपुरी ने फिर बहुत सारे 56 भोग बनवाए, अन्नकूट महोत्सव हुआ। जैसा कि श्री कृष्ण ने करवाया था अन्नकूट महोत्सव, उसी प्रकार से सारे जो ब्रजवासी हैं उन लोगों ने मिलकर के अन्नकूट महोत्सव किया। बहुत सारा चावल, दाल, लड्डू, खीर, पूड़ी, जलेबी सब आया, सब ठाकुर जी को भोग लगाया। माधवेंद्रपुरी ने स्वयं अपने हाथ से भोग लगाया, और जब भोग लगाया तो देखा कि ठाकुर जी सारा खा गए। जैसे हम लोग सुनते हैं ना गोवर्धन लीला में कि गिरिराज जी स्वयं प्रकट हुए, स्वयं प्रकट होकर के सारा खा लिया उन्होंने, किंतु और किसी ने नहीं देखा, कृष्ण ने तो देखा। तो इसी प्रकार से जो ठाकुर जी है उन्होंने सारा खा लिया। तो माधवेंद्रपुरी ने फिर प्रार्थना की, और जैसे ही प्रार्थना की तो उन्होंने फिर से सारा जो बर्तन थे जो सारे स्पर्श किए, और वो सारा का सारा फिर से प्रकट हो गया। तो अब वो प्रसाद हो गया। देखो आप ये बात समझने वाली, हम लोग बहुत सारे लोग यही सोचते हैं ठाकुर जी के आगे ले गए, मंत्र पढ़ा, क्या ठाकुर जी ने खाया? हाँ खाया, उसका प्रभाव भी है, क्योंकि अगर वो प्रसाद नहीं होता तो फिर हम सबको भी नरक में जाना पड़ता। इसका प्रमाण देता हूँ, ठाकुर जी का प्रसाद तो साक्षात जब ठाकुर जी के मंत्र पढ़े तो उसका ठाकुर जी ने ग्रहण किया, इसका प्रमाण देता हूँ। श्रील भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज उनके एक शिष्य थे, वो पहले काली के भक्त थे। सभी लोग ध्यान से सुनना अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, काली के भक्त थे वो। तो उनके घर में उनकी संतान बड़ी बीमार हो गई। जब बहुत बीमार हो गए तो उन्होंने काली से प्रार्थना की कि अगर आप हमारे बच्चे को ठीक कर दोगे तो हम आपको बलि चढ़ाएं। संतान ठीक हो गई वो, लेकिन वो बात भूल गए, और फिर बाद में श्री वामन गोस्वामी महाराज जी के शरणाश्रय हो गए। तब तो वैष्णव बन गए, अभी तो बलि नहीं चढ़ा सकते। काली आई स्वप्न में और कहा कि अरे तुम लोगों ने मुझे वचन दिया था बलि चढ़ाने का, और अभी तुम लोगों ने बलि चढ़ाई नहीं। तो फिर अब तो बेचारे डर गए, क्या करें, काली तो कुपित हो जाएगी तो बड़ा विनाश हो जाएगा। इसलिए क्या करें, उन्होंने श्रील वामन गोस्वामी महाराज जी से आकर के पूछा कि गुरुदेव हम क्या करें, ऐसी ऐसी बात है। श्रील वामन गोस्वामी महाराज ने कहा तुम लोग चिंता मत करो, तुम एक काम करो, ठाकुर जी को भोग लगाओ, और भोग लगा करके जो प्रसाद है वो काली को दे दो, और तुम्हारा जो काली है वो फिर संतुष्ट हो जाएगी, तुम चिंता मत करो। उन्होंने वैसे ही किया, ठाकुर जी को भोग लगाया, फिर वो जो प्रसाद है वो काली देवी को दिया। जब काली देवी को दिया फिर रात में काली देवी फिर स्वप्न में आई, और स्वप्न में आकर के बोलती हैं कि मैं तुम लोगों से बहुत संतुष्ट हूँ, क्योंकि सभी ये सब भली भली सब देते हैं, लेकिन हमको ये नहीं चाहिए। हमको क्या चाहिए, ठाकुर जी का प्रसाद दिया, ये तो कोई नहीं देता है, इसलिए मैं तुम लोगों से बहुत संतुष्ट हूँ, तुम लोग बीच बीच में मुझे देते रहो।
तो हम लोगों को तो नहीं दिख रहा है, मंत्र पढ़ रहे हैं, ठाकुर जी ने खाया कि नहीं खाया, लेकिन काली देवी को तो दिखा। अगर प्रसाद नहीं होता तो काली देवी ऐसा क्यों बोलती? तो इसीलिए हम लोगों को जो कुछ भी ग्रहण करते हैं वो ठाकुर जी को अर्पण करके निवेदन करके ही खाना चाहिए। तो इस प्रकार से श्री माधवेंद्रपुरी ने जो अन्नकूट महोत्सव किया और महीनों तक वो महोत्सव चलता रहा। उसके बाद में एक दिन श्री गोपाल जी माधवेंद्रपुरी से बोले कि माधवेंद्र, मैं बहुत दिनों से ना जमीन के नीचे था, तो जमीन के नीचे दबा दिया था, तो मेरे शरीर में ना अभी तक ताप हो रहा है, मेरा शरीर जल रहा है। देखो अभी क्या बताया, ठाकुर जी को ना भूख लगती ना प्यास लगती, इतने दिन से जमीन के अंदर से तब शरीर नहीं जल रहा, तब आत्मा राम है वो। लेकिन जैसे ही माधवेंद्रपुरी का प्रेम देखा तो उनके अंदर भूख प्यास जैसे एक बालक का होता है। इसीलिए कहते हैं ना, ब्रज जैसी भक्ति करनी है हम लोगों को। ब्रज की भक्ति में और बाकी भक्ति में क्या अंतर है? बाकी भक्ति में लोग क्या सोचते हैं, भगवान सर्वशक्तिमान है, उनको भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, आत्मा राम आप्त काम ये सब है। लेकिन ब्रज की भक्ति में क्या है, मैया सोचती है कि जब तक मैं इसको खिलाऊंगी नहीं, खाएगा नहीं, नहलाऊंगी नहीं तो नहाएगा नहीं। अरे और तो बात छोड़ो, कृष्ण बेड पे सो रहे हैं, उम्र है 2 साल, बेड पे सो रहे हैं और मैया जो है दधि मंथन कर रही हैं और कृष्ण जग गए, जग करके रो रहे हैं। क्यों? मैया आकर के बेड से उतार दी। जो हम लोग सुनते हैं ना कि उन्होंने एक चरण में ही यहां से लेकर के और पूरा ब्रह्मांड नाप दिया था, वो बेड से उतर नहीं पा रहे। ये है ब्रजवासियों का प्रेम, ये है ब्रज भक्ति। तो हम लोगों को वो वाली भक्ति करनी है, क्योंकि भक्ति तो और लोग भी कर रहे हैं लेकिन हमको वो वाली भक्ति नहीं चाहिए। ये बात समझ में आनी चाहिए कि ब्रज की भक्ति की क्या विशेषता है। कृष्ण बेड से उतर नहीं पा रहे हैं, रो रहे हैं, मैया मैया चिल्ला रहे हैं, देखा सुननी नहीं थी मैया तो पूरा तन्मय है। तो फिर क्या किया पता है, बेड से कैसे उतरे? जैसे आप लोगों ने सभी ने देखा होगा, छोटे बच्चे हैं थोड़ी ऊंची जगह, उसे कैसे उतरते हैं, वो चद्दर को ऐसे पकड़ लेते, पेट के बल लेट जाते, चद्दर को ऐसे पकड़ लेते, वो धीरे से खिसकते, ऐसे करके कृष्ण उतर रहे हैं। तो ये है ब्रज की भक्ति। तो इसलिए श्री माधवेंद्रपुरी को देख करके गोपाल जी को भी शरीर में ताप हो रहा है। उन्होंने कहा, माधवेंद्र बहुत दिन से शरीर चल रहा है, तो मेरे लिए मले या चंदन लेकर के आओ। तो माधवेंद्रपुरी की उम्र उस समय बहुत अधिक थी, लेकिन ठाकुर जी के प्रेम में फिर वो पैदल ही चल दिए यहाँ से, 2 सेवकों को ठाकुर जी की सेवा के लिए रख करके और यहाँ से पैदल ही चल दिए। और पैदल चलते चलते, बहुत लंबी कथा है, तब वहां पर पहुंचे खीर चोरा गोपीनाथ। खीर चोरा गोपीनाथ में जब पहुंचे तो वहां पर जो ठाकुर जी हैं उनको खीर भोग लगता है। खीर भोग मतलब वहां पर खीर कहते हैं रबड़ी को, तो 12 कुल्लड़ में भोग लगता है। तो पुजारी ने भोग लगा करके वो सारे बांट दिए। जिस समय वो भोग लग रहा था तो माधवेंद्रपुरी के मन में आया कि अगर मुझे भी ये खीर प्रसाद मिल जाता तो मैं भी ऐसा गोपाल जी को लगाता। देखो हमारे मन में आता है, हमारे मन में क्या आता है, हमको मिल जाए, क्यों? हमको टेस्ट करना है, हमको आस्वादन करना है, हमारी भोग वृत्ति है। लेकिन माधवेंद्रपुरी पाद के हृदय में क्या आया, उनकी सेवा वृत्ति है। जिसकी सेवा वृत्ति होती ठाकुर जी उसके लिए करते। जो गीता में हम लोगों ने सुना है और पढ़ा भी है ये श्लोक सभी ने, अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना परिउपासते तेषां नित्य वित्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। कि जो मेरा अनन्य भाव से भजन करता है उसका योग और क्षेम मैं करता हूँ। तो हम लोग बहुत सारे लोग भजन करते और संदेह कर देते कि अरे कृष्ण ने ऐसा बोला है लेकिन मेरे लिए तो कुछ नहीं करते, मेरी कोई इच्छा पूरी नहीं होती। कारण क्या है? कारण है हम लोग अपने भोग के लिए इच्छा करते। भगवान ने किसके लिए बोला ये बात? जो मेरे लिए करेगा, मेरी सेवा के लिए, उसके लिए सब कुछ मैं करूंगा। तो इसलिए माधवेंद्रपुरी ने जैसे ही मन में सोचा, ठाकुर जी ने रात को स्वप्न दिया पुजारी को, पुजारी उठो मेरा भक्त आया है, उसको मेरा खीर प्रसाद देकर के आओ। पुजारी कहता है, प्रभु खीर प्रसाद कहाँ है, बांट दिया वो तो सारा भोग लगा करे। तो कहते नहीं नहीं, एक तो जो कुल्लड़ है वो मैंने छुपा लिया। तो पुजारी भी हैरान रह गया कि भाई आज कैसा भक्त आ गया कि ठाकुर जी ने खुद ही चुरा लिया। ऐसा भक्त तो हम लोगों ने बताया ना, कथाओं में भी सुनते नहीं है। तो ये तो साक्षात रूप में आज उनके दर्शन होंगे। वो तो पुजारी तुरंत उठा और उठ करके सीधे मंदिर खोला। मंदिर खोल करके जैसे ठाकुर जी का कपड़ा उठाया, पीछे में एक कुल्लड़ छुपा हुआ है। अब तो पुजारी की बस क्या अवस्था हुई, प्रेम के मारे वो भी बिल्कुल डूब गया। कहता है आज ऐसे भक्त के दर्शन होंगे जिनके लिए साक्षात ठाकुर जी ने चुरा लिया। देखो हम लोग सोचते हैं ना ठाकुर जी पत्थर है, लेकिन ठाकुर जी पत्थर नहीं है। बताया उनको भूख प्यास सर्दी गर्मी चोरी भी करते हो,
लेकिन हमको दिखते नहीं, लेकिन हमारे जो गुरुजन है उनको दिखाई देते ही है सब। हमको क्यों नहीं दिखते? क्योंकि अभी हमारी बताए ना भोग वृत्ति है, अपने भोग के लिए हर चीज करते हैं। लेकिन जब ठाकुर जी की प्रीति के लिए करेंगे तो हमको भी दिखेगा। तो वो पूछते गया, माधवेंद्रपुरी कौन है, माधवेंद्रपुरी कौन है, माधवेंद्रपुरी भजन कर रहे थे, उन्होंने कहा हाँ बताओ मैं ही माधवेंद्र हूँ। तो उन्होंने जाकर के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और साष्टांग प्रणाम करके उनको वो प्रसाद दिया और कहने लगे कि गोपीनाथ जी ने आपके लिए स्वयं ये जो है खीर चुराया है। तो तब से ठाकुर जी का नाम ही पड़ गया खीर चोरा गोपीनाथ। देखो माधवेंद्रपुरी के लिए ठाकुर जी ने अपना नाम ही कैसा डाल दिया, खीर चोरा गोपीनाथ। तो माधवेंद्रपुरी के प्रेम के कारण ही भगवान इतनी सारी लीलाएं कर रहे हैं। और भगवान का वैशिष्ट्य, भगवान अपने भक्तों की महिमा प्रकाशित करते हैं और भक्त लोग अपने भगवान की महिमा प्रकाशित करते हैं, दोनों ही। तो फिर उसके बाद में वहां से माधवेंद्रपुरी चल करके गए और जगन्नाथपुरी आए। जगन्नाथपुरी से आकर के ठाकुर जी ने राजा को पहले ही स्वप्न दे दिया था कि मेरा भक्त आ रहा है, उसके लिए चंदन ले व्यवस्था करके रखना और उसको सारी व्यवस्था करके रखना। तो जो राजा था उसने चंदन, मलया चंदन और जो सेवक लोग हैं उसको ले जाने के लिए वो सब रखे। फिर लौट करके जब माधवेंद्रपुरी आ रहे थे वही स्थान पे खीर चोरा गोपीनाथ में, तो वहां पर ठाकुर जी ने फिर स्वप्न दिया कि माधवेंद्र तुम्हें ब्रज में आने की जरूरत नहीं है, तुम यहीं पर चंदन लगा दो, उसी से मुझे यहाँ पर शीतलता हो जाएगी। देखो मुझ में और गोपीनाथ में कोई अंतर नहीं, गोपाल जी कह रहे। तो विग्रह तत्व एक है, ये भी यहाँ पर दिखा रहे कि विग्रह तत्व एक है, लेकिन भगवान इस प्रकार की अनेक सारी लीला करने के लिए माधवेंद्रपुरी को इस प्रकार से आदेश दिया। बोलो श्री माधवेंद्रपुरी पाद की जय, श्री खीर चोरा गोपीनाथ की जय, चंदन यात्रा महोत्सव की जय और प्रेमानंद। ताली बजा। अभी प्रसाद होगी, अभी अभी प्रसाद लेकर जा, थोड़ी रुक जाओ, प्रसाद होगी। हरे कृष्ण। आज भी और एक तिथि है, आज बद्रीनाथ का जो द्वार है, जो चार धाम है, आज से ही बद्रीनाथ का दरवाजा खुलेगा। इसलिए स्वयं बद्री विशाल बद्रीनाथ में तपस्या कर रहे हैं। आप बोलो भैया भगवान तपस्या क्यों कर रहे हैं, तपस्या धाम में करनी चाहिए। लेकिन ठाकुर जी को पता था कलयुग का जीव तपस्या कर ही नहीं सकते। 15 दिन में एक एकादशी आती है, अगर एक भी एकादशी करें ना बोले ये काम कर लो, बोले आज हमें व्रत रखा, बोले एकादशी भी हम आप एकादशी का दिन देखो पकौड़ा है, किसका पकौड़ा है, फोटो आटे के पकौड़ा, बड़े आलू की सब्जी, मखन की सब्जी, खीर कितना बना कर खाते हैं। इसलिए भगवान ने देखा कलयुग का जीव इतना तपस्या कर ही नहीं सकता, लेकिन इन्हीं के लिए मैं तपस्या करता हूँ। लेकिन जो व्यक्ति कष्ट करके एक बार आए और मुझे दर्शन कर ले, दर्शन मात्र से मुझे उसका तपस्या करने का छठवां भाग का फल अपने आप वो जीव को प्राप्त हो जाए। इसलिए आज का दिन अक्षय तीज में बद्रीनाथ का द्वार उद्घाटन और आज का दिन बहुत सारे लीलाएं ठाकुर जी को हुई है। हम शाम को और 2-3 दिन कथा सुनेंगे। माता जी प्रसाद लेकर जाना, लुक जाओ, वो सब प्रसाद होगा, बैठ जाओ, इतना तो आज सब बार बच्चे को बुला लो, अभी आप लोगों से लाइन करके बैठ जाओ, यहाँ पर लाइन कर दो, सब बैठ जाओ, यहाँ से लाइन करके बैठ जाओ। बोले एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोले हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे। आज जो कर दो फल अक्षय फल है ना, और जोर जोर से एक बार बोलो, बोले हरे फल अखे है। इसलिए शाम को अन्नकूट होगा, उसमें अगर थोड़ा फल कोई एक फल दान दिया तो कितना फल मिला, इसलिए थोड़ी मिठाई कुछ लेकर जाना, जब ठाकुर का दर्शन मिलेगा छापान्न भोग में थोड़ी थोड़ी आपका चीज लग जाएगी। आज जो प्रसाद है हमारे श्री हरि से प्रभु जी बहुत परिश्रम किया, पता नहीं कल से प्रभु जी लगे हुए शादी में जा सकते, क्योंकि इतने बढ़िया बढ़िया प्रसाद ठाकुर के लिए उन्होंने आज बनाया ठाकुर जी के लिए। और आज भक्त लोगों ने अन्नकूट के लिए, मैं नाम नहीं बोलूंगा, लेकिन अन्नकूट जो प्रसाद बना है भक्त लोगों ने कुछ कुछ मदद किया है प्रसाद के लिए। इन लोगों ने, जिन लोगों ने प्रसाद के लिए मदद किया उनके लिए भी ताली बजाओ। उन लोगों ने ठाकुर जी उनका झोली हर समय भरा रखे और ऐसे ही साधु संत के ठाकुर जी की
ऐसे सेवा करते रहे। आप लोग यहाँ पर लाइन निकल के बैठ जाओ भाई, प्रसाद व्यवस्था का एकदम लाइन निकल के बैठ जाओ, लाइन निकल लो सबके सब, सब लाइन निकल लो। ये सीमा दीदी,